हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये भी एनआरसी का एक नया नोटिस आया है जो जिसका जो है नंबर 43.1.1 करके होता है। तो इस नोटिस का मतलब क्या है और किन किन लोगों के लिए ये नोटिस आता है, तो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको पता नहीं आपके पास 43.1.1 नोटिस आया है तो वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। अगर आपके साथ नहीं भी आया है तो आप जान लीजिए इसका इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा के रख लीजिए नए नए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका नाम एनआरसी के जो 26 जून को जो एडिशनल ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ, अगर आपका नाम उस लिस्ट पे आया है और आप अगर आपका उस लिस्ट में नाम आने का कारण डीवी मतलब डी वोटर या डीवीडी, आपने जो है डी वोटर का वंशधर या डिक्लेयर डीएफ मतलब डिक्लेयर फॉरिनर या जो है पीएफ या पीएफटी अगर आप है, तो आपके जो है घर में जो ये नोटिस आएगा जिस पे लिखा होगा कि 43.1.1। तो आप ऑनलाइन भी यहाँ पर जाके नोटिस चेक कर सकते हो। तो जहाँ पर भी बताया गया हो यहाँ पर क्लेम हियरिंग शेड्यूल पोर्टल पर क्लिक करके आप ERN नंबर कैप्चा मार के जो है देख सकते हो अपना जो है कहाँ हियरिंग सेंटर है, वहाँ पे जाके आपको जो है फिर से अपना जो है अटेंड रहन रह कर अपना हियरिंग जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो है पहले जो क्लेम करने के बाद जैसा नोटिस आता था, सेम ऐसा ही नोटिस आ रहा है। अगर आप जो है डी वोटर डीवीडी ऐसे कोई कैटेगरी से हो तो आपके पास जो है 43.1.1 करके नोटिस आएगा। तो आप जो है जहाँ पर आपका जो है हियरिंग होता है, हियरिंग सेंटर है, वहाँ पर जाके अपना जो है मेन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके आप जो है हियरिंग को अटेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको जो है 43.1.1 नोटिस जो है इसके बारे में डिटेल्स पता चल गया होगा। अगर इसके अलावा कुछ जानना है तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में ही था, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा के रख लीजिए नए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।